हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये टॉपिक है वर्क इन रिवर्सिबल प्रोसेस। तो देखो बच्चों, ऐसे प्रोसेस जो अपनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में सेल्फ एक्टिंग में होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस। इस प्रोसेस में गैस का जो इंटरनल प्रेशर है वो, और जो गैस के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर पड़ रहा है वो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, और इस कंडीशन में गैस का मैक्सिमम वर्क मिलता है। मींस गैस का मैक्सिमम एक्सपेंशन वर्क होता है, या फिर सराउंडिंग द्वारा गैस पर मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन वर्क होता है। समझ गए ना? और यही मैंने लिखा है कि द प्रोसेस विच कैरिड आउट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन इटसेल्फ called reversible process, because in this condition P external almost equals to P internal. In this process maximum work is obtained, means expansion work or contraction work. ये दोनों work maximum condition में होते हैं, because in P internal almost P external condition, जब ये दोनों condition means internal और external pressure लगभग बराबर हों, तो गैस द मैक्सिमम एक्सपांशन वर्क अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर मींस एक्सपांशन वर्क, और मैक्सिमम वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम मींस गैस, इसको बोलेंगे कंप्रेशन वर्क। मतलब जब आप किसी को धक्का दे रहे हैं, तो आप किसी को धक्का दे रहे हैं मतलब आपका एक्सपांशन जो वर्क है कब मैक्सिमम हो जाएगा, जब उसका फोर्स आपके फोर्स के बराबर हो जाए। समझ गए ना? और वो आपको पीछे की तरफ धक्का दे दे, मींस उसके द्वारा वो सराउंडिंग हो गया, आपके ऊपर जो कॉन्ट्रैक्शन वर्क रहा है मिल रहा है वो कब मैक्सिमम मिल रहा है, जब उसका फोर्स आपके फोर्स के बराबर हो जाए। तो इसका मतलब है कि जब इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स इक्वल होते हैं, तब चाहे वो एक्सपांशन वर्क हो चाहे कॉन्ट्रैक्शन वर्क हो, दोनों मैक्सिमम कंडीशन में होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि रिवर्सिबल, जो रिवर्सिबल वर्क है, चाहे कंप्रेशन की बात की गई हो या एक्सपांशन की, वो ऑलमोस्ट ग्रेटर देन जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मींस चाहे वो एक्सपांशन वर्क हो या कंप्रेशन, उससे ज्यादा होगा। इसीलिए जब भी क्वेश्चन होता है कि अगर कहा जाए कि कैलकुलेट मैक्सिमम रिवर्सिबल वर्क इन आइसोथर्मल कंडीशन, तो हम देखते हैं कि उसको किस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहां तक बात समझ गए होगे। अब हम आ जाते हैं गैस के मैक्सिमम आइसोथर्मल वर्क को कैलकुलेट करने का एक रिलेशन लेते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करें, फिर हम आएंगे एडियाबेटिक प्रोसेस में। तो देखो बच्चों, सबसे फर्स्ट आपने एक रिलेशन पढ़ा था कि जब गैस एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करती है और वॉल्यूम चेंज होता है, तो क्या वर्क होगा। तो हम पहले तो यहां लिखेंगे आइसो थर्मल, ठीक है, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन रिवर्सिबल वर्क। ओके, तो एक रिलेशन आपने देखा था कि डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल डेल बी, या हम डी इस जब इन्फाइनेटेसिमली वॉल्यूम चेंज हो तो वर्क जो है इन्फाइनेटेसिमली होता है, और वो रिलेशन बनता है पी एक्सटर्नल डीवी। अब यह बता दूं कि पी एक्सटर्नल इक्वल्स टू द पी इंटरनल मींस गैस, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी गैस, ओके, और डीवी। अब एक रिलेशन होता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, तो पी इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी, ये गैस के लिए हो गया। ओके, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एन आर टी अपॉन वी डी। यहां तक बात समझ गए? अब हम आगे आ जाए एक लिमिट में। सपोज वर्क डब्ल्यू जीरो से डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू डी डब्ल्यू। अब यहां पर ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है एन आर टी, बिकॉज आइसोथर्मल कंडीशन ले रहे हैं, तो माइनस एन आर टी कॉमन, मतलब ये बाहर आ गए, और बी वन वी टू वन अपॉन बी डी, तो ये तो हो गया डब्ल्यू माइनस एन आर टी इंटीग्रेशन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों वी, और इसकी लिमिट या हम सीधा यहां लिखते हैं
IN V2 upon V1. Here W is equal to minus 2.303 NRT log 10 base V2 upon V1. यही रिलेशन लगेगा चाहे आप कॉन्ट्रैक्शन वर्क कैलकुलेट करें या एक्सपांशन वर्क, क्योंकि v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द p, सो v2 अपॉन v1 इज इक्वल टू p1 अपॉन क्या लगेगा बच्चों p2। सो नेक्स्ट फॉर्म में हम तो यहां तक बात समझ गए होंगे, ओके। अब हम इसको यहां से हटाते हैं और अब आगे देखें कि और आगे क्या लिख सकते हैं। तो लेट्स गो, V W is equal to minus 2.303 NRT log P1 upon P2. Okay, ये है ये equation used when given volume change at pressure, constant pressure. Okay, और ये use करना है used when pressure change at constant temperature and volume. Okay, अब चाहे आप इससे expansion work calculate करें। अब देखो बच्चों, in compression या हम कहें expansion, okay, कि expansion V2 greater than V1 और P1 greater than P2, मतलब यहां पर वॉल्यूम जब एक्सपांशन होगा, गैस का जब एक्सपांशन होगा, ये है V1 और ये है V2, तो V2 greater than क्या हो जाएगा V1, तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो हम इस रिलेशन में देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इस रिलेशन को देखो आप कि log V2 upon V1 ये तो पॉजिटिव आएगा, या log P1 upon P2 ये भी पॉजिटिव आएगा, तो W कैसा आएगा बच्चों, नेगेटिव आ जाएगा। और ये हम जानते भी हैं कि अगर गैस एक्सपांशन वर्क करती है, गैस का एक्सपांशन वर्क होता है, तो वर्क हमेशा न्यूमेरिकली नेगेटिव होता है। और इसके अपोजिट अगर आप जाएं कंप्रेशन की बात करें, ओके, तो कंप्रेशन में आप जब जाओगे तो V2 लेस देन V1 या P1 लेस देन P2, देन लॉग V2 अपॉन V1 ये नेगेटिव आ जाएगा, या लॉग P1 अपॉन P2 ये नेगेटिव आएगा, तो W हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो कंप्रेशन में हम जानते हैं कि जो वर्क होता है गैस के ऊपर जो सराउंडिंग द्वारा, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि जब वर्क गैस सिस्टम के ऊपर होगा तो उतनी एनर्जी ऐड हो जाएगी, और जब गैस वर्क करेगी तो उतनी एनर्जी कम हो जाएगी। तो यहां तक बात समझ गए होगे, तो ये रिलेशन लगते हैं हमारे किसके लिए बच्चों, हमें कैलकुलेशन करनी हो आइसोथर्मल एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन कब रिवर्सिबल। तो जब क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, तो आपको देखना है कि वॉल्यूम चेंज दे रखा है या हमें प्रेशर, और मोल्स क्या है, अमाउंट दी है तो मोल्स में चेंज करेंगे, टेम्परेचर दे रखा होगा, प्रेशर, वॉल्यूम, इसके बेस पर हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब यदि मान लो आपसे यहीं पर पूछ ले कि इस वर्क के करस्पॉन्डिंग में एनर्जी चेंज या कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई होगी, तो आप जानते हैं कि जब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जाओगे तो क्यू प्लस डब्ल्यू ये रिलेशन होता है, क्योंकि यहां पर आपने देखा कि ये जीरो होगा आइसो थर्मल कंडीशन, ओके। ध्यान रखें डेल्टा एच भी क्या होता है, आइसोथर्मल कंडीशन में जीरो, किसके लिए होता है, लेकिन ये आइडियल गैस के। तो यहां जब हम जीरो करेंगे तो क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, मींस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू। अब वर्क कैसा है, वर्क एक्सपांशन है या कॉन्ट्रैक्शन है, अगर आप यहां पर आ जाए कि एक्सपांशन हो रहा है, ओके, तो W क्या होता है एक्सपांशन वर्क में कि नेगेटिव होता है, तो Q क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव आ जाएगा, मींस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि सिस्टम एक्सपांशन कर रहा है और अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट भी रखना है, ठीक है, तो गैस को तो हीट लेनी पड़ेगी ना। तो जब एक्सपांशन वर्क होता है
तो उस समय W नेगेटिव होगा, और जब हम यहाँ नेगेटिव वैल्यू रखेंगे और ये नेगेटिव साइन है तो Q क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, मींस एनर्जी या हीट एब्सॉर्ब बाय गैस इन आइसो थर्मल एक्सपांसन। ओके, ये ध्यान रखना है बच्चों कि जब गैस का आइसोथर्मल एक्सपांसन होगा तो गैस हीट को एब्सॉर्ब करेगी। क्यों? क्योंकि वो जो हीट है वो गैस के एक्सपांसन में यूज होगी और पूरे सिस्टम का टेम्परेचर क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट रहेगा। अब आता है कि इन कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा। ओके, तो इन कॉन्ट्रैक्शन W पॉजिटिव तो Q क्या हो जाएगा बच्चों? नेगेटिव आएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब हम कॉन्ट्रैक्शन वर्क होगा सराउंडिंग जब सिस्टम पे वर्क करेगा तो सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेकिन हमें कांस्टेंट रखना है टेम्परेचर को, तो जो एक्स्ट्रा हीट बढ़ रही है जो टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकती है वो सिस्टम से निकल के बाहर होगी। मींस हम यहां लिखेंगे कि मींस हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम इन आइसोथर्मल, ठीक है, कंप्रेशन वर्क। ओके, तो यहां तक बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आ जाता है कि यदि फ्री एक्सपांसन की बात की गई हो, ये तो हुआ कि जब, ठीक है, रिवर्सिबल हो, अगर यही कंडीशन रिवर्सिबल आइसोथर्मल की जगह, ठीक है, आइसोथर्मल, ओके, आइसोथर्मल फ्री एक्सपांसन की बात की गई, मींस फ्री एक्सपांसन क्या है बच्चों? कि P एक्सटर्नल जीरो हो, तो जब P एक्सटर्नल जीरो होगा तो प्रेशर ही जब बाहर वर्क ही नहीं होगा, मींस जो वर्क है वो क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो होगा। डेल्टा E ऑलरेडी जीरो है तो Q भी क्या हो जाएगा? जीरो होगा। तो ऐसे में अगर आइसोथर्मल फ्री एक्सपांसन होता है तो वर्क जीरो होगा, डेल्टा E तो ऑलरेडी जीरो है, Q जीरो है। क्यों? क्योंकि आप इस रिलेशन से देख सकते हैं ना, Q प्लस W, ये जीरो तो Q भी जीरो। ओके, ये वर्क कहां से? आपने W इक्वल टू P एक्सटर्नल डेल V, तो ये जीरो तो W भी जीरो हो गया। तो ध्यान रखें, आइसोथर्मल कंडीशन हो और फ्री एक्सपांसन हो तो W जीरो, Q जीरो, डेल्टा T जीरो, ओके, डेल्टा E जीरो, डेल्टा T तो ऑलरेडी जीरो होगा। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन है। तो ये कंडीशंस बनती हैं फ्री एक्सपांसन। अब हम कुछ क्वेश्चंस में आते हैं। ओके, मैं क्वेश्चन लिखता हूं। अब देखो बच्चों, अब कुछ क्वेश्चंस हैं। द वर्क डन इन अर्थ फॉर द रिवर्सिबल एक्सपांसन ऑफ वन मोल ऑफ आइडियल गैस फ्रॉम वॉल्यूम 10 लीटर टू 20 लीटर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ये क्वेश्चन है। आपने देखा कि यहां पर द रिवर्सिबल एक्सपांसन ऑफ वन मोल गैस वर्क, मैक्सिमम वर्क, बल्कि यहां क्वेश्चन में होगा, ठीक है, मैक्सिमम वर्क डन इन अर्थ फॉर द रिवर्सिबल एक्सपांसन वन मोल ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम वॉल्यूम 10 टू 20 लीटर एट 25। तो सबसे फर्स्ट हम इसी को सॉल्व करते हैं। यहां देखें आप, एन मोल तो कितना हो गया? 1 मोल। टी कितना है बच्चों? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 298 केल्विन। आर की वैल्यू, ओके, आर इज इक्वल टू कितना है? 8.314 अप्रोक्सीमेट। आप 25/3 यूज कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत आती है। जूल केल्विन इनवर्स मोल, ये थोड़ा इजी हो जाता है कैलकुलेशन, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट वैल्यू चेंज हो सकती है। V1 कितना यूज करोगे बच्चों? 10 लीटर। V2 कितना हो गया? 20 लीटर। अब यहां पर आपसे रिवर्सिबल एक्सपांसन वर्क, मैक्सिमम वर्क की कैलकुलेशन है, तो आप तुरंत क्लिक करें कि क्या फॉर्मूला यूज होगा। तो ध्यान रखें, मैक्सिमम रिवर्सिबल वर्क ये आता है, तो फिर आपको ये फॉर्मूला जो है यूज करना होता है, 2.303 NRT log V2 upon V1, क्योंकि यहां पर आपको वॉल्यूम चेंज दे रखा है बस। तो W is equal to minus 2.303 into 1 into 25 upon 3 into
T, तो यू गेट 298 log 20/10 -2.303 into 25/3 into 298 into log 2 हो गया। log 2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 3010। और ये आंसर किस में आ जाएगा? जूल। तो यहाँ तक बहुत सी कैलकुलेशन बन जाएगी। तो यहाँ तक बात समझ गए? ओके, मैं अब इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एट 27 डिग्री 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम अ प्रेशर ऑफ 2 atm टू 10 atm। अब यहां पर प्रेशर दिया गया है और गैस का कंप्रेशन है। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, प्रेशर वाला फॉर्मूला लगेगा जो है। तो यहां सेकंड नंबर में देखो T कितना यूज करोगे? 27 डिग्री मींस 300 केल्विन। N देखो आप मोल कितना है? 1 है। R की वैल्यू वही रख दो आप 25/3 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ओके, P1 कितना यूज करना है बच्चों? 2 atm। P2 कितना यूज करना है आपको कंप्रेशन में? 10 atm। बस अब आप फॉर्मूला लगाएंगे -2.303। ओके, एन आर टी लॉ वी टू अवसर P1 upon क्या बच्चों? P2। अब यहां आना W इक्वल टू -2.303 into 1 into 25/3 into 300 log। अब आपके पास P1 देखो कितना है? 2, और ये कितना हो गया? 10। या हम लिख सकते हैं 2.303 into 25 into 3 से डिवाइड कर दो 100 और log 10/2 कर दें, पलट दें मतलब, तो यहां हो जाएगा 5। बस अब आप इसे, तो ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2.303 into 25 into 100 into log 5 की वैल्यू 0.7 के आसपास होती है। इसको सॉल्व कर लें, यही आपका जूल में आंसर। तो ये देख रहे हैं आप पॉजिटिव आ गया, क्यों? क्योंकि ये कंप्रेशन वर्क है। तो यहां तक बात समझ गए। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। देखो आप थर्ड क्वेश्चन में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि चाहे कंप्रेशन वर्क की बात की गई हो या एक्सपांशन वर्क, आपको फॉर्मूला है W = -2.303 nRT log V2/V1 या P1/P2, यही यूज करोगे। अपने आप वर्क की न्यूमेरिकल वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव आ जाएगी। साइन का कहां ध्यान रखना है देखो मैं बताता हूं आपको। CO गैस इज अलाउड टू एक्सपांड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम 10^3 मीटर क्यूब टू 10^20 मीटर क्यूब एट 300 केल्विन। द वर्क ऑब्टेंड इज 4.754 किलो जूल कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। अब यहां देखें आप, 10 मीटर क्यूब से 20 मीटर क्यूब हो रहा है, इसका मतलब गैस का क्या हो रहा है? एक्सपांशन। और हम जानते हैं कि एक्सपांशन वर्क हमेशा नेगेटिव लिखा जाता है। तो यहां पर आ जाए कि n कैलकुलेट कर रहे हैं, t 300, v1 ठीक है 10 मीटर क्यूब, v2 20 मीटर क्यूब, ये है ना बच्चों वर्क, ये एक्सपांशन वर्क है। तो इसका मतलब है कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आप क्या करेंगे? नेगेटिव लेंगे। 4.754 मींस 7, या हम इसको इसमें ले ले -4.754 into 10^3, ये किलो जूल में है, ये मैंने जूल में, ऐसा इसलिए क्योंकि आर की वैल्यू हमें जूल में लेनी है। तो यहां तक आप समझ गए ना। तो यहां आपको याद रखना होगा कि वर्क अगर कोई दिया है वर्क और एक्सपांशन किया गया है, तो वर्क की न्यूमेरिकल वैल्यू को आपको नेगेटिव लेना है। तो फिर आप यहां लगाएंगे -2.303 nRT log V2/V1, यहां हो जाएगा आपके पास 4754। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 का, ठीक है, यहां आ गया -2.303 into n into 25/3 into 300 log आपके पास है v2 है 20/10। बस अब आप इसे सॉल्व कर लो, ये log 2 की वैल्यू आ जाएगी, माइनस से माइनस हट जाएगा, n सॉल्व हो जाएगा, तो यहां तक मोल्स आ जाएंगे कैलकुलेट करना। तो आप समझ गए होंगे कि अब आपको किस तरह से वर्क की कैलकुलेशन करनी है आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंडीशन में। अब आपको एक क्वेश्चन ऐसा है जहां पर आपको P del V ये भी कैलकुलेट करना है और मैक्सिमम जो है आइसो रिवर्सिबल वर्क भी कैलकुलेट करना है। तो यहां एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि व्हेन 2 मोल
of ideal gas expands from 20 liter to 10 liter to 20 liter at 25 degree centigrade temperature. Calculate, ठीक है, अगेंस्ट टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर 2 atm. कैलकुलेट वर्क अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर एंड मैक्सिमम, ठीक है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क. अब ये क्वेश्चन, इसमें टू कैलकुलेशंस हैं. एक कह रहा है कि कैलकुलेट द वर्क अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर व्हेन वॉल्यूम चेंज फ्रॉम 10 टू 20 लीटर, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क, ठीक है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. 25 की मान लो 27 करते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर. ये एक्सटर्नल कांस्टेंट प्रेशर है जो, तो देखो जब आप वर्क अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर इसकी बात की गई हो, तो आपको तुरंत याद रखना है माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन, इस फॉर्मूले का यूज करना है. तो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, यहां देखें आप P external है 280, V1 है 10, V2 है 20, T है 300 Kelvin, N है कितना मोल है बच्चों, 2 मोल. ओके, पहले हमें यहां पर देखें तो P external 2 हो गया, 20 माइनस 10, तो W is equal to माइनस 2, ठीक है, इनटू यहां पर 20 तो 10 हो गया, तो W is equal to ये देखो लीटर ATM है, तो ये हो गया 20 लीटर एटीएम. जूल में चेंज करना चाहें तो माइनस 20 इंटू 101.325 जूल में चेंज हो जाएगा. यहां तक तो हो गया वर्क अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर. अब आता है कि इसमें आपको आइसोथर्मल कंडीशन का भी प्रेशर कैलकुलेट करना है, वर्क कैलकुलेट करना है. तो दूसरा कैलकुलेशन जो होगा इन आइसोथर्मल, ठीक है, रिवर्सिबल एक्सपांसन, तो आपको फॉर्मूला यूज करना होगा माइनस 2.303 एन आर टी लॉग वी टू अपॉन वी वन, माइनस 2.303 इंटू 2 25 अपॉन 3 आर टी टी इंटू 300 लॉग 20 अपॉन 10, तो मीन्स 2.303 इंटू 20 इंटू 25 इंटू 100 log 2, ये minus 2.303 into 50, okay, into 100 into 0.3010, ये आंसर किसमें आ जाएगा बच्चों, जूल में. तो इस तरह के क्वेश्चंस आप असाइनमेंट में देखें बहुत इजी गोइंग हो जाएंगे. तो यहां तक बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आइसोथर्मल कंडीशन में जो वर्क होता है वो जो है रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क हो रहा है वो इररिवर्सिबल प्रोसेस से ज्यादा होगा. ये तो आप अच्छी तरह से क्वेश्चन में ध्यान रखें, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम असाइनमेंट में देख सकते हैं. तो अब हम यहाँ तक आज का वर्क वाला ये खत्म हो गया. नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेंगे उसमें हम लेंगे कौन सा वर्क, एडियाबेटिक वर्क. तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू.